बॉडी वेट एक्सरसाइज सारी बेस्ट होती हैं। बॉडी वेट एक्सरसाइज सबको करनी चाहिए, पुशअप उनमें से एक है। पुशअप ऐसी एक्सरसाइज है जिससे कोई भी कर सकता है, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो। इसे आप कहीं भी कर सकते हैं, चाहे घर हो, पार्क हो या जिम हो। इसके लिए किसी भी सामान की ज़रूरत नहीं होती। आप चाहें तो बॉडी का साइज बढ़ा रहे हों या फैट लॉस कर रहे हों, पुशअप सबके लिए बेस्ट है। अगर आप पुशअप नहीं करते तो यह आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि पुशअप को लगाकर न केवल चेस्ट मसल्स बल्कि अपनी ट्राइसेप्स मसल्स, अपनी शोल्डर मसल्स को भी ग्रो कर सकते हैं। आज के वीडियो में बात करेंगे पुशअप लगाने का सही तरीका, जिसकी सही वजह से आप अपनी अपर बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। दोस्तों, अगर आप ज़्यादा पुशअप नहीं लगा पाते हैं तो आपका ट्राइसेप्स मसल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसके लिए आप ट्राइसेप्स डिप्स लगा सकते हैं, जो आपको ट्राइसेप्स मसल को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं सही पुशअप लगाने का तरीका। हाथों की पोजीशन, आपको अपने हाथ सीधे रखने हैं, मतलब शोल्डर की सीध में मीडियम गैप में अपनी हथेली रखनी है। ज़्यादातर होता है कई लोग अपने हाथ शोल्डर से आगे रख लेते हैं तो कई लोग पीछे, यह बिल्कुल गलत है। आपको अपने हाथ शोल्डर की सीध में रखने हैं। अक्सर देखा गया है जब लड़के पुशअप लगाते हैं तो कोई अपनी एल्बो अंदर की तरफ रखता है तो कोई ज़्यादा बाहर की तरफ। आपको अपनी कोहनी को न तो ज़्यादा बाहर की तरफ रखना है और न ही इतनी अंदर की तरफ रखना है कि कोहनी चेस्ट के साथ चिपक जाए। आप अपनी एल्बो नॉर्मल पोजीशन में रखकर ही पुशअप लगाएं। बात करेंगे बैक पोजीशन की। पुशअप लगाते समय कोई अपनी बैक अंदर की तरफ झुका लेता है तथा कोई अपनी बैक बाहर की तरफ निकाल लेता है। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बिल्कुल कमर को सीधा रखना है, क्योंकि ऐसा करने से आपको कोई फ़ायदा तो होगा नहीं बल्कि बैक इंजरी हो सकती है। इसीलिए हमेशा अपने इस सीध में ही रखें। बात करेंगे नेक पोजीशन की। कई लड़के अपनी नेक पोजीशन अंदर की ओर झुका लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से आपको नेक या स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो सकती है। इसलिए हमेशा पुशअप लगाते समय गर्दन हमेशा आगे की ओर रखें, एकदम सामने की ओर देखते ही पुशअप लगाएं। बात करेंगे पैरों की पोजीशन। कई लोग पैरों की पोजीशन में पैरों के बीच गैप ज़्यादा रखते हैं, जो कि गलत है। परफेक्ट यानी सही पुशअप लगाने का सही तरीका है आपको अपने पैर मिलाकर रखने हैं। ऐसा करने से आपके शरीर में ताकत भी आएगी और पुशअप लगाने का फ़ायदा भी ज़्यादा मिलेगा। दोस्तों, ज़्यादातर देखा गया है कुछ लड़के हाफ पुशअप भी लगाते हैं, कोई आधा नीचे जाता है तो कोई आधा ऊपर आता है। पुशअप लगाते समय पूरा नीचे जाएं तथा पूरा ऊपर आएं, जमीन को चेस्ट से टच करें और आप और ऊपर आके हल्का सा एक सेकंड का गैप दें। चेस्ट का साइज बढ़ाने के लिए पुशअप धीरे धीरे लगाएं। मसल माइंड कनेक्शन बनाकर चलें, चेस्ट को फील ज़रूर करें। कई लड़के पुशअप फास्ट लगाते हैं, वह पुशअप में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, फिर भी फास्ट पुशअप लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। पुशअप लगाने का सही तरीका है बिल्कुल धीरे धीरे लगाएं तथा मसल्स माइंड कनेक्शन बनाकर चलें। कुछ लोगों को यह भी नहीं पता होता कि सांस कैसे लेना है। पुशअप लगाते समय जब नीचे जाएं तो सांस अंदर लें और ऊपर आएं तो सांस बाहर लें। दोस्तों, यह थे कुछ तरीके जो पुशअप लगाने का सही तरीका माना जाता है। अगर आप भी गलत तरीके से पुशअप लगाते हैं तो आपकी चेस्ट ग्रो नहीं हो पाती। अगर आप कुछ गलती करते हैं तो उन्हें ठीक करें, ताकि आपकी चेस्ट का साइज तेज़ी से बढ़ सके। अगर आप इस तरीके से पुशअप लगाते हैं तो आप एक महीने में ही अपनी चेस्ट में फ़र्क देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की हेल्थ से जुड़ी वीडियो के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।